कानपुर के जकरगटी बस अड्डे से फतेहपुर की बस यात्रा करेंगे और लोगों से ये बातचीत करेंगे कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में किसे चुनकर लखनऊ भेजने जा रहे हैं। मुसाफिरों से जानने की कोशिश भी होगी कि आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा है और साल 2022 में वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हमारी फतेहपुर की यात्रा शुरू होती है। कानपुर से फतेहपुर का ये बस सफर शुरू हो चुका है। बस मुसाफिरों को लेकर उनके गंतव्य की तरफ बढ़ चुकी है और ये मुसाफिर भी अब तय कर चुके हैं कि जो सियासी दल तमाम दावों के बीच इनके पास पहुंचते हैं और अपनी अपनी मंजिल सियासी समर 2022 के लिए तय कर चुके हैं, उनको किसको चुन करके भेजना है। बहुत सारे मुसाफिर हैं, बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा दिनेश यादव। क्या करते हैं आप? बोले किसान, गरीब आदमी, मजदूरी करते हैं, खाते हैं। लखनऊ किसको चुन करके भेज? लखनऊ हम तो सीधा अखिलेश यादव को चुन रहे हैं। आपकी बदलाव करोगे? आप किसको भेजोगे? अखिलेश यादव की सर जी। ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही क्या? सरकार काम उचित काम हमको नहीं लग रहा है सरकार का। किसको चुन करके इस बार भेजोगे? अखिलेश को भेजेंगे। अखिलेश को भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये क्या नाम है भैया? उत्कर्ष कुमार कश्यप। क्या करते हो उत्तर? भाई का अप्लाई का काम है, प्राइवेट जॉब। जॉब ठीक चल रही? हाँ, सब सही है। इस बार जो है लखनऊ किसको चुन करके भेज? अखिलेश यादव। बाबा जी ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्या? अरे बहुत कुछ है, दिक्कतें हैं, हमने भी झेली हैं। आप लोग तो गृहस्थी चलाती हैं, ठीक ठाक चल रही गृहस्थी? ऐसे समझ लीजिए, एक दिन चली तो दो दिन बैठे हैं, और क्या है। कितना चल रहा है? उसका तो पूछिए नहीं, उसका तो बिल्कुल ना पूछिए। बहुत महंगाई है, हद से ज्यादा महंगाई है। ठीक ठाक चल रही है कि नहीं ये बताइए? सही चल रही, इस समय तो सही चल रही है, महंगाई है। लखनऊ इस बार किसको भेजोगे चुन? लखनऊ सपा जाएगा। अच्छा, सपा जाएगी? अरे नवयुवक नेता है। ये बताओ कि इस बार लखनऊ किसको चुन करके भेजोगे? देखिए लखनऊ कोई भी जा सकता है, किसी की भी सीट निकल सकती है, ना तो योगी जी का मैं और ना अखिलेश जी का मैं। रह गई महंगाई वाली बात, महंगाई वाली बात तो मान लो जैसे पहले एक आदमी काम करता था उसको 250 रुपया 300 मिलता था, अब 400 रुपया मिल रहा है, वही बात आ गई ना। महंगाई वाली तो कोई बात नहीं है। लखनऊ किसको इस बार चुन करके भेजेंगे? भैया हमारे हिसाब से तो बाबा जी सही है। हाँ, क्यों सही है जरा ये भी बता दीजिए। सही इस वजह से है कि गुंडई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो माफिया वगैरह जैसे भी थे उन नस उनकी कमजोर करती है। कितना सहमत है भैया आप? बगल में बैठे कह रहे बाबा जी भेजेंगे। बिल्कुल चेंजेस आने चाहिए हर हाल में। क्या चीज़, क्या बचा क्या है? आप देख लीजिए किसी भी चीज़ को देख लीजिए उठा करके, कि महंगाई कहते हैं कि रेट बढ़ गया है, सैलरी तो काम कितना बढ़ा है ये भी तो देखिए। पहले आदमी को महीने के 30 दिन काम मिलते था, अब कितना मिल रहा है? काम भी तो उतना नहीं हो रहा है। घर गृहस्थी चलाने में कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी। अपेक्षा कर रही है? इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि एकदम समझ लीजिए कि कुछ बजट ही नहीं हो पाता है। ऐसी सरकार चुनेंगी इस बार, किसको लखनऊ भेजेंगी? अखिलेश जी। लखनऊ किसको चुन करके भेजोगे आप लोग? कौन आदमी है जो अपना वादा निभाएगा? सर कोई तय नहीं है अभी हमने। योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, इनमें कौन बेहतर लगता है? सर सही तो यादव जी लग रहे हैं, अखिलेश यादव जी। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ का काम ठीक चल रहा है? हमें तो अच्छा लगता है, सब ठीक ठाक है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी कहते हैं कि ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए हम किसी को गलत नहीं कह सकते, जो आते सब अपना बनाते हैं, समाज का कोई नहीं सोचता है ना, सब अपने लिए करते हैं, लेकिन जो है सब अच्छा ही। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सागर है। सागर भाई लखनऊ किसको भेज रहे हैं इस बार चुन करके? लखनऊ तो हम सिर्फ योगी जी को ही भेजेंगे। अच्छा, ऐसा क्या योगी जी ने ठीक किया? क्योंकि हमने कई सवारियों से बात करी, वो सब तो बड़ा नाराज है। देखिए अपनी अपनी नाराजगी अलग अलग मुद्दों पे होती है। मेन सबसे बड़ी मुद्दा जो है थी यूपी की, वो थी सुरक्षा। तो सुरक्षा में इन्होंने काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट किए हैं, साथ साथ कुछ कम्युनिकेशंस भी अच्छे हुए हैं, रोड भी अच्छी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो आदमी को मतलब चाहिए कि ठीक है सरकार है और हम बेधड़क जी सकते हैं, तो इस
इस मुद्दे पे हम योगी जी को ही देना चाहेंगे। आप किसको लखनऊ भेज रहे हैं भाई साहब? अभी तो वक्त आने पर देखा जाएगा, जैसे वक्त देगा वैसे काम करेंगे। अभी क्या लगता है कि कौन अच्छा है? अभी ज़्यादा उतना बेनिफिट नहीं है जाना, तो बस गरीबों के लिए बड़ी परेशानी चल रही है। महंगाई वगैरह परेशान कर रही है कि नहीं? महंगाई बहुत परेशान कर रही है। अच्छा, तो परिवर्तन वगैरह होगा या वही बराबर रहेगा? होना चाहिए परिवर्तन।